हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी। आज हम बात करेंगे बंद गर्भनली यानी कि ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। गर्भनली का काम होता है अंडाक्षय से अंडे को उठाना और ऐसा एक माहौल क्रिएट करना जहां पे अंडा और शुक्राणु यानी कि स्पर्म मिले, गर्भ तैयार हो और फिर वो गर्भनली उस तैयार गर्भ को बच्चेदानी में पहुंचाती है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल यूट्रस की, तो उसमें एक बॉडी होती है यानी कि बच्चेदानी का वो हिस्सा जहाँ पे गर्भ पनपता है, उसका एक मुंह होता है जिसे हम बोलते हैं सर्विक्स, और दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं गर्भनली, और इसके साथ में होते हैं दो अंडाक्षय ओवरीज यानी कि जहाँ से अंडा निकलता है। हमारी बॉडी में कभी राइट ओवरी में या कभी लेफ्ट ओवरी में एग रिलीज होता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दोनों ओवरीज में एक साथ में अंडा रिलीज होगा। अगर राइट ओवरी में एग बन रहा है तो जैसे ही फॉलिकल रप्चर होता है, एग रिलीज होता है, तो फेलोपियन ट्यूब्स का एक हिस्सा होता है जो ओवरी के ऊपर बिल्कुल इस तरीके से बैठा होता है जिसे हम बोलते हैं फिम्ब्रिया, वो झपट करके इस तरीके की मूवमेंट्स करते हुए एग्स को उठा लेता है और ट्यूब्स के एक हिस्से में लेके जाता है जिसे हम बोलते हैं एम्पुलरी पोर्शन। इसी दौरान अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में संबंध बनता है तो वजाइना से स्पर्म जो कि प्रोग्रेसिवली मूव करते हैं, इस तरीके से फॉरवर्ड मूवमेंट आगे देते हैं, मूव करते हुए बच्चेदानी के मुंह से अंदर जाते हैं, बॉडी ऑफ द यूट्रस में जाते हैं और उसके बाद फिर वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर में जाते हैं एम्पुला में, जहाँ पे अगर उसे एग मिलता है तो एग स्पर्म वहाँ पे मिलते हैं आपस में, जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, और गर्भ बनने की शुरुआत हो जाती है ट्यूब के अंदर। शुरुआती जो गर्भ बनने की प्रक्रिया है 2 हफ्ते की, यानी कि अंडे स्पर्म से मिलने को लेकर के ब्लास्टोसिस्ट बनने का प्रक्रिया फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, और जब ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है तब यही गर्भनली उस ब्लास्टोसिस्ट को बच्चेदानी में ले जा करके छोड़ती है। वहाँ पे अगर बच्चेदानी और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में तालमेल बैठता है तो गर्भ वहाँ पे टिकता है, उसे ब्लड सप्लाई मिलती है और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। अगर हमारी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं, अब ब्लॉकेज की वजह कोई इन्फेक्शन हो सकता है, पैदाइशी कोई गड़बड़ी हो सकती है, या आपने अगर नसबंदी कराई है तो उसकी वजह से भी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस करके एक बीमारी होती है जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब्स की नॉर्मल पोजिशन डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे में अंडा और स्पर्म आपस में मिलेंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। तो ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी रुकने में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो क्या हमें नेचुरल प्रेगनेंसी रुक सकती है? इसका जवाब है हाँ। दोनों फेलोपियन ट्यूब्स का एक साथ में प्रेगनेंसी ठहरने के लिए काम करना जरूरी नहीं है। हमने पहले भी बताया कि अगर राइट ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो हमें राइट फेलोपियन ट्यूब्स की हेल्प चाहिए, अगर लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हो रहा है तो लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब को ही काम करना है। तो अगर हमारी एक ट्यूब बंद है लेकिन दूसरी ट्यूब खुली हुई है तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमें नेचुरल प्रेगनेंसी ठहर सकती है। प्रॉब्लम आती है जब हमारी दोनों ही फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी? इसके लिए हमारी 2 अप्रोचेज रहती हैं। पहली अप्रोच है कि क्या हम बंद नलियों को खोल सकते हैं। अगर हम बंद नली को खोल देंगे तो डेफिनेटली नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी रुक सकती है। और दूसरी अप्रोच है, अगर बंद नली खोली नहीं जा सकती है या और भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत है, तो ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स का एक ही ट्रीटमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। आपकी नलियां बंद हैं या खुली हैं इसको जानने के लिए मेनली 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक होता है एक्सरे जिसे हम बोलते हैं HSG, एक होता है खास तरीके का अल्ट्रासाउंड जिसे हम बोलते हैं सोनोसलाइन, और एक होती है दूरबीन जांच जिसे हम बोलते हैं लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी। अगर हम इन 3 जांचों को कंपेयर करें तो जो बेस्ट टेस्ट है या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारी ट्यूब्स खुली हैं या ब्लॉक हैं, अगर वो ब्लॉक हैं तो उसकी क्या वजह है, वजह जानने के बाद अगर उसे ठीक किया जा सकता है तो हम सेम सिटिंग में ठीक भी कर सकते हैं, तो ऐसा जो टेस्ट है जो 3 चीज़ों को एक साथ में डील कर सकता है वो है लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी यानी कि दूरबीन जांच। लेकिन हाँ, लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी के लिए हमें बेहोशी भी लगती है, पेट में एक छोटा सा टाका भी आता है, तो वो केस जहाँ पे
ये टेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है, या आप मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं हैं, या कभी हमें लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत है, फीमेल की एज यंग है और कोई कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, तो ऐसे में हम लोग एक्सरे कराने की भी सलाह दे सकते हैं, जिसे HSG बोला जाता है। तो इन टेस्ट के ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि हमारी ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं। और जब हमें पता चल जाता है कि ट्यूब्स बंद हैं, इसे नहीं खोला जा सकता है, तो हमें IVF में जाना पड़ता है। और अगर इसका रीज़न कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस, TB का हो जाना, तो ऐसे में हमें 6 महीना या 9 महीना TB की दवा खाने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी टेस्ट में ट्यूब्स ब्लॉक दिखाई देती है, खासकर HSG में, लेकिन जब हम इसे कंफर्म करने के लिए लेप्रोस्कोपी करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि ट्यूब्स खुली हुई हैं। इसे हम बोलते हैं स्पाज्मोडिक ब्लॉक। एक्सरे जब किया जाता है तो इसमें कोई बेहोशी नहीं दी जाती है, और इसे कराते टाइम फीमेल्स कई बार बहुत तकलीफ़ से गुजरती हैं, उनको दर्द काफ़ी होता है और वो टेस्ट को अच्छे तरीके से नहीं करा पाती हैं। तो इस वजह से बच्चेदानी में सिकुड़न आ जाती है और वो ट्यूब्स को आर्टिफिशियली ब्लॉक कर देती है। और जब हम एक्सरे लेते हैं, नीचे से दवा डालते हैं, तो वो उस आर्टिफिशियल ब्लॉकेज की वजह से हमें लगता है कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो गई हैं। इसे हम बोलते हैं स्पाज्मोडिक ब्लॉक। तो अगर आपने HSG कराया है और उसमें आपका दोनों ट्यूब्स ब्लॉक आ रही हैं, तो प्लीज़ टेंशन में मत आइए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, और हो सकता है आपके डॉक्टर आपको लेप्रोस्कोपी कराने की सलाह दें। और हमने ऐसा देखा है कि एक्सरे में इस तरीके के जो ब्लॉकेज आते हैं, 70-80 या इनफैक्ट 90% केसेस में जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं, तो इस तरीके के ब्लॉक या तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं, या इसे हम ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो प्लीज़ घबराइए नहीं, जानने की कोशिश करिए, नंबर 1 कि एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, नंबर 2 किस तरीके से आपको पता चला है कि आपकी ट्यूब्स ब्लॉक हैं, एक्सरे, लेप्रोस्कोपी या अल्ट्रासाउंड, नंबर 3 अगर लेप्रोस्कोपी ने कंफर्म कर दिया है कि आपकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, उसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो प्लीज़ IVF करने में देरी मत करिए। ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब्स में IVF जो है एकमात्र इलाज होता है। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए।